अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक चटपटी चाँप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया था और उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा पानी, और इसको मैं 4 विसल देकर गोश्त को अच्छे से गला लूँगी। उसके बाद मैं आपसे एक सीक्रेट मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे इस जो रेसिपी में 4 चांद लग जाएगा। यहाँ पर मैंने लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और साबुत धनिया ली है, और उसके बाद इसमें सूखी लाल मिर्च लेकर मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी और अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लूँगी। इससे रोस्ट करने से ये होगा, इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा जो बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसे पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया और तेज पत्ता डाल के हरी इलायची डाल दी है। इसको चटकाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे दरदरी प्याज। ये देखिए प्याज ऐड कर दिया और प्याज को पिंक होने तक मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद में मैं इसे 2 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे से। जितनी अच्छी आप बुनाई करते हैं उतना ही अच्छा खाना बनता है और अच्छी खुशबू भी आती है। अब इसमें मैंने पीसा हुआ टमाटर डाल दिया, टमाटर की प्यूरी, और यहाँ पर मैंने डाल दी है दही। अब ये देखिए जो इसका टेस्ट आएगा ना, टमाटर और दही दोनों डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर अलग ही लेवल का होगा। और अच्छे से हम भून लेंगे। फिर हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, और उसके बाद जो गोश्त बॉईल करा था ना हमने, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, जो भी आपके दिल में है। और जो हमने अपना सीक्रेट वाला मसाला बनाया था ना गोश्त का, वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब देखिए जो इसके अंदर जो खुशबू आएगी ना, आप जब तक बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ये कितना ज़्यादा फ्लेवरफुल है और कितना खुशबूदार खाना है। उसके बाद हम इसके अंदर यखनी भी ऐड कर देंगे। पानी हम दूसरा ऐड नहीं करेंगे, यखनी ही ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे मीडियम आंच पर, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला अच्छे से भुन ना जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसको खोल के देख रही हूँ और चेक करूँगी कि हमारा गोश्त कैसा रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। मैं मोबाइल से आपको खुशबू नहीं सुंघा सकती, वरना आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करते। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, ये बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी आप मेरा 20K कम्प्लीट कराइए, जिससे फिर मैं आगे चलकर अपने इंस्टाग्राम पर गिव अवे रख सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।